अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फरहान राजपूत फ्रॉम mtechshow.com और आज आपके लिए एक लेटेस्ट स्मार्ट वॉच का रिव्यू लेकर आए हैं। सो अपने प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ AW66 स्मार्ट वॉच की। एप्पल सीरीज 6 के फॉर्म फैक्टर पे डिजाइन की जाने वाली ये स्मार्ट वॉच है। इससे पहले HT99 स्मार्ट वॉच आई थी जो कि काफी ज्यादा हाई प्रोडक्ट थी। उसपे हमारे पास उसके रिव्यू की वीडियो पे हमारे पास व्यूज भी बहुत ज्यादा हमें मिले हैं। सो इसी तरह जो है अब HW66 को भी हम जो है HT66 को भी हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे। सो HT66 के मैं सेलेंट फीचर्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले ये है कि ये सीरीज 6 को बिल्कुल 99% मिमिक की गई है। इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। इसके अंदर स्टार्टअप एंड शटडाउन पे एप्पल का लोगो आएगा जो कि बिल्कुल इसको जो है एप्पल वाली मतलब एप्पल वॉच से सिमिलर कर देता है। इसी तरह इसके अंदर आपको क्राउन भी मिल जाएगा, सेकेंडरी लॉक बटन भी मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। इसी तरह इसका डिस्प्ले जो है वो आपको HD IPS डिस्प्ले इसके अंदर जो है आपको वो मिल जाएगा। सो ये सारे फीचर जो है आगे वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, रिव्यू किए हैं, आपसे मिलते हैं रिव्यू के बाद। स्टे विद अस। सो ये आप बॉक्स देख सकते हैं, HT66 स्मार्ट वॉच का ये बॉक्स है और इसको ब्लैक कलर में कर दिया गया है। इससे पहले HT99 आई थी और इसी तरह और भी वॉचेस थी उनमें व्हाइट कलर का ही बॉक्स आता था। सो ये कुछ थोड़ा जो एप्पल के नाइकी एडिशन वाली वॉच आती है उससे इसको जरा जो है थोड़ी सी लुक्स देने की कोशिश की गई है, इसलिए इसका जो बॉक्स है वो ब्लैक है। सो ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिखा है, यहाँ पे कुछ राइटिंग्स हैं, यहाँ पे भी कुछ जो है दिया हुआ है। यहाँ पे सीरीज 6 स्पेस एलुमिनियम केस 44 mm, और इसी तरह जो है इसके ऊपर रैपिंग भी है। सो रैपिंग को हम अनरैप कर लेते हैं। इसको अनरैप कर लिया है, अभी इसको अनबॉक्स भी करते हैं। ये बटरफ्लाई पैकेजिंग के अंदर आती है, जस्ट लाइक ओरिजिनल एप्पल वॉच जैसे वो बटरफ्लाई पैकेजिंग में है, इसी तरह इसकी भी पैकेजिंग है। काफ़ी खूबसूरत पैकेजिंग है। सबसे पहले ये आ जाएगा एनवेलप, उसके बाद ये दो हमारे पास जो है ये स्लिम से बॉक्स आ जाएंगे। इसके अंदर हमारे जो हैं स्ट्रैप्स होंगे। सो इसको भी चेक करते हैं। सो इस तरह जो है ये स्ट्रैप्स आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पे स्ट्रैप्स को अप्लाई करने का जो है तरीका बताया हुआ है। इसमें ये 44 mm के सिलिकॉन के स्ट्रैप्स इंक्लूडेड हैं। और इसी तरह इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं तो इसके अंदर हमें स्टार्ट पे एक मैनुअल मिल जाएगा जिसके अंदर इसकी ऐप की QR कोड होगी और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा इसको पेयर करने का, और इसी तरह इसको ऑपरेट करने की भी कुछ डिटेल्स होंगी। इसी तरह एक वायरलेस चार्जर आ जाएगा जो कि ओरिजिनल एप्पल वॉच चला है, मतलब कि ची वायरलेस चार्जिंग, कोई पिंस नहीं है, कोई कनेक्टर नहीं है डायरेक्टली। इसके ऊपर आप वॉच रखेंगे तो वो इंडक्शन के थ्रू ची वायरलेस चार्जिंग जिसको कहते हैं चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी USB चार्जर लगा सकते हैं। और इसी तरह वॉच की बात की जाए मेन डायल की, तो ये बड़ी खूबसूरत इस तरह एक लेदराइट की पैकेजिंग में आती है जो कि एक बड़ा प्रीमियम किस्म का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले इस तरह की किसी ने भी जो है एक्सपीरियंस नहीं दिया। सो ये लेदराइट के अंदर जो है हमारा वॉच का डायल आ जाएगा और मज़ा आ गया, ज़बरदस्त क्वालिटी है। सो इस डायल को भी अभी चेक करते हैं। सो डायल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नो डाउट इसका डायल जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब इस पे जो है डिज़ाइन पे ध्यान दिया गया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है। सो इसमें आपको मैं बताता चलूँ जो इसका जो ब्लैक कलर होगा वो स्पेस ग्रे कलर होगा। एक्चुअली आप ये देख सकते हैं इसका जो सारा ये मेटल का स्ट्रक्चर है ये जिंक अलॉय में डिज़ाइन है और ये स्पेस ग्रे कलर का है, ये ब्लैक नहीं है, ये स्पेस ग्रे कलर का है जैसे ओरिजिनल एप्पल वॉच का आता है। और इसी तरह इसकी जो बैक साइड देखेंगे आप, ये शाइनी जो है बिल्कुल एक मटेरियल में है, इसको स्टेनलेस स्टील वाली जो है फील देने की कोशिश की गई है। और ये मतलब यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है जो कि शाइनी ग्लास है, ये ब्लैक कलर का नहीं है। अमूमन जितनी भी वॉचेस मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ उन सब में जो है ये ब्लैक कलर का ही होता है, इसमें ज़रा ये शाइनी सा है, इसमें एक किस्म का क्रोम का टच आ रहा है। और इसी तरह जो इसकी साइड्स हैं ये सारी जो है मैंने आपको बताया है ये स्पेस ग्रे कलर में है। बहुत खूबसूरत इसकी कंस्ट्रक्शन है डायल की, डायल की डायमेंशन और साइज़ जो है बड़ा प्यारा है, बड़ा अट्रैक्टिव है और बड़ा हैंडी है। और इसी तरह इसका जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, आगे अभी वेट टेस्ट करते हैं स्ट्रैप्स लगा के। सो इसी तरह बैक साइड पे देखते चलें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये सेंसर आ जाएंगे हार्ट रेट का, ब्लड प्रेशर का, SpO2 का। इसी तरह यहाँ पे लॉक्स दिए गए हैं, ये एक्चुअली लॉक्स नहीं है, ये सिर्फ एस्थेटिक्स हैं, अंदर लॉक नहीं है। यहाँ पे 44 mm की स्लॉट्स हैं जहाँ पे आप इसमें कोई भी स्ट्रैप लगा सकते हैं 44 mm बेस्ड। इसी तरह यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन का होल है,
यहाँ पे बटन है, ये बकायदा बटन काम करता है, लॉक अनलॉक और वॉच को ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन यूज़ होगा। ये क्राउन है जो कि रोटेशन पे भी काम करेगा और प्रेस करने पे भी आपको जो है फीडबैक देगा। फ्रंट की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं इसको, मैं अगर रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ तो इसके अंदर ग्लास, मतलब जो इसका डिस्प्ले है वो इतना विजिबल नहीं हो रहा, मतलब कि वैसे ग्रे कलर का नज़र आता है अंदर डिस्प्ले, वो बहुत लो क्वालिटी फील होता है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे पूरा सरफेस ही ब्लैक है और इसमें डिस्प्ले जो है आपको विजिबल नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। इसी तरह फ्रंट पे 2.5D प्रोटेक्टेड ग्लास है जो कि साइड से कर्व्ड है और बहुत खूबसूरती से बॉडी के साथ इन्फ्यूज्ड है। सो इसको ऑन करते हैं, इसका जो जानलेवा फीचर है वो चेक करते हैं, वो है इसका एप्पल लोगो, बूम। सो आपने देखा होगा इस फीचर की वजह से ये वॉचेस बहुत ज़्यादा जो हैं ट्रेंड पकड़ती जा रही हैं लोगों में, मतलब कि ये ऑन होने पे भी एप्पल लोगो था और इसी तरह जब मैं इसको ऑफ करूँगा तब भी एप्पल लोगो इसमें आएगा। और ये एप्पल लोगो की वजह से ही ये जो घड़ियाँ हैं ये इतनी, मतलब जो है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई हैं अचानक से। HT99 है, फिर HT66 है, इसी तरह A2094 है। तो आप देख सकते हैं शट डाउन और टर्न ऑन पे जो है एप्पल लोगो बिल्कुल आपको शो होता है और ये प्रॉपर एप्पल लोगो है, कोई नॉक ऑफ वाला एप्पल लोगो नहीं है। सो इस तरह ये घड़ी ऑन हो जाएगी। घड़ी के डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर IPS पैनल इंस्टॉल है जो कि 1.74 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले अगर मैं HT99 से कंपेयर करूं तो इसका डिस्प्ले उससे छोटा है। जाहिर है प्राइस का भी एक डिफरेंस है, इसका जो डिस्प्ले है HT99 से छोटा है, मैं आपको भी बता दूं, लेकिन इसका डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। मतलब इसके अंदर IPS पैनल इंस्टॉल्ड है और आप डिस्प्ले की सिमेट्री देखें, बिल्कुल सेंटर्ड है डिस्प्ले। थोड़ी सी जो बॉटम की चेन है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन साइड्स और टॉप बेहतरीन इसकी सिमेट्री है डिस्प्ले की, बिल्कुल सेंटर में है। ब्राइटनेस की बात करें, रेजोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है, ज़बरदस्त ब्राइटनेस है इस वॉच की। आप ये देख सकते हैं इसमें IPS पैनल होने की वजह से ब्लैक्स जो हैं कितने ज़बरदस्त हैं और ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है वॉच की वो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर 19 आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, कस्टम वॉच फेस करने का भी ऑप्शन है और इसी तरह इसकी ऐप के अंदर भी चंद वॉच फेसेस होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अंदर 19 आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, सारे वॉच फेसेस जो हैं सीरीज 6 के हैं, बिल्कुल लेटेस्ट इसके अंदर जो है वॉच फेसेस इंस्टॉल है जो कि 1x1 मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसी तरह जो है इसमें हम स्लाइड जब डाउन करेंगे तो इस तरह एक ब्लूटूथ की नोटिफिकेशन आ जाएगी, स्लाइड अप करेंगे तो हमारा टॉगल स्विचेस की बार आ जाएगी जहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल है, यहाँ से वॉच को लॉक लग जाएगा, यहाँ से इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग अनेबल होगी, ये डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ से शट डाउन का ऑप्शन है, टाइम है, डे है, सेटिंग्स में जंप करने का ऑप्शन है और इसी तरह ये बटन जो है क्राउन वाला ये बैक करने के लिए यूज़ होगा और ये बटन जो है ये इसको इस तरह लॉक एंड अनलॉक करने के लिए यूज़ होगा। इस साइड पर स्वाइप करेंगे तो वॉल पेपर चेंज हो जाएगा, इस साइड पर स्वाइप करेंगे तब भी वॉल पेपर जो है चेंज हो जाएगा। सो दोनों तरफ इस तरह जो है वॉलपेपर इसका चेंज हो जाएगा। सो ब्राइटनेस फुल मैंने कर दी है ताकि आपको बेहतर तरीके से इसके डिस्प्ले का आइडिया हो जाए। ओवरऑल इस वक्त बहुत ब्राइट में पर लाइट चल रही है, फिर भी इसका डिस्प्ले बहुत शानदार है। सो इसी तरह इसका मेन्यू चेक करते हैं हम, और मेन्यू में जाने के लिए बटन आप प्रेस करेंगे। सो आप जो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मेन्यू स्टाइल है, ये नियॉन मेन्यू स्टाइल है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसी तरह इसमें आपको 5 मेन्यू स्टाइल्स मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आगे बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके फीचर हम देखते चलते हैं तो इस यहाँ पे फोन बुक आ जाएगी, यहाँ पे डायलर आ जाएगा, यहाँ पे हार्ट रेट है, स्पोर्ट्स के मोड्स हैं, यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स के, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, स्लीप मॉनिटर है, स्टॉप वॉच है, पेडोमीटर है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सेटिंग्स है, सीरी है। सीरी के अंदर अगर आपने एंड्रॉयड से पेयर किया होगा तो आपका गूगल असिस्टेंट ओपन होगा, उसको आप यहाँ से कमांड देंगे, आईफोन में सीरी ओपन होगा। एप्लीकेशन का QR कोड है, अलार्म है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आपकी फिटनेस की हिस्ट्री आएगी, फाइंड डिवाइस है, ब्लूटूथ म्यूजिक है, ब्लूटूथ कैमरा है, कॉल लॉग्स हैं, नोटिफिकेशंस है, ब्लड प्रेशर का ऑप्शन है, ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, अबाउट है, अबाउट को देख लेते हैं, HT66 आ रहा है, इसी तरह लेटेस्ट बिल्ड है बिल्कुल। यहाँ पे मोशन के जेस्चर्स हैं, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, इसको ऑन कर देते हैं। ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ब्राइटनेस फुल इस वक्त मैंने 5 पे की हुई है। लॉक का ऑप्शन है, मेन्यू स्टाइल्स का ऑप्शन है, आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हैं इसके अंदर जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। इसी तरह पावर सेविंग का मोड है, थीम्स हैं, 3 थीम्स हैं इसके अंदर,
लेकिन ये थीम अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ बैकग्राउंड पे कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है थीम का फायदा क्या है। SPO2 का ऑप्शन है, ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट को परसेंटेज में शो करेगा। बॉडी टेम्परेचर का ऑप्शन है, शटडाउन है, गेम्स हैं। गेम्स में इसके अंदर 1, 2, 4 गेम्स हैं, और इसमें जो अच्छी गेम है, मतलब जिसका मैं गेम प्ले दिखाऊंगा, वो ये स्टिक वाली है। इसमें आप ऐसे टच ऊपर की तरफ करेंगे, एक ब्रिज बनेगा, और ब्रिज उसने क्रॉस करना है आपके प्लेयर ने, तो आपने ब्रिज इतना बनाना है कि वो सिर्फ अपनी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक चले जाए। सो बहुत एडिक्टिव गेम है और बहुत मज़े की गेम है। और इसी तरह रीसेट का ऑप्शन है, वेदर का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल से वेदर सिंक हो जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। सो ये सारे ऑप्शन है। इसी तरह आप इसकी वॉच की प्रोसेसिंग देख सकते हैं, खासी तेज़ है इसकी प्रोसेसिंग। और इसी तरह मेन्यू स्टाइल्स की बात करते चलें तो ये वाला 9 ऐप्स में था। स्मार्ट स्टाइल में आएंगे तो हमारे पास वही अपना एप्पल वाला आ जाएगा, बेबीज ब्रेथ या हनी कॉम। तो इसकी अच्छी है स्मूथनेस, मतलब कि ज़बरदस्त स्मूथनेस है इसकी। इसी तरह मज़ीद मेन्यू स्टाइल करने में इसमें जो है हम उसको चेक करते हैं। इसी तरह ये 6 ग्रिड वाला है, इसके अंदर इस तरह का आ जाएगा, वही FK88 वगैरह जैसा जो रवायती डिज़ाइन है। इसी तरह इसके अंदर मज़ीद एक और भी है जो कि ये वेलक्रो के नाम से है, इसको ओपन करते हैं तो इसमें इस तरह का आ जाएगा कुछ। ये इतना डिटेल ओरिएंटेड नहीं है, मतलब इसमें आइकन्स तो बड़े बड़े हैं लेकिन इतना कोई डिटेल ओरिएंटेड नहीं है, तो मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया। इसी तरह ये फीट के नाम से भी है एक, तो फीट वाले में कुछ इस तरह आ जाएगा। ये भी मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया, मुझे वो सिर्फ वो नियॉन वाला जो है वो वाला मुझे बहुत पसंद आया है इसके अंदर। इसी तरह मैंने आपको बताया था ये वॉच वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो ये इसकी इस तरह वायरलेस चार्जिंग जो है केबल इसके साथ है, यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, ये वायरलेस चार्ज होगी जस्ट लाइक ओरिजिनल एप्पल वॉच। तो सिंपली आपने इसको इसके ऊपर रखना है और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो चार्जिंग का यहाँ पे जो इस तरह आ रहा है चार्जिंग स्टेटस, वो भी ओरिजिनल एप्पल वॉच जैसा ही है। सो सिंपली आपने इस तरह उतारना है और इस तरह आप जब चार्जिंग पे रखेंगे तो इस तरह चार्जर कनेक्टेड हो जाएगा। बहुत ही कन्वीनियंट है ये फीचर, आगे जितनी भी घड़ियाँ आ रही हैं उन सब में इसी तरह वायरलेस चार्जिंग आ रही है। सिंपली आपको जो है इस पर इसकी प्लेट पे ऐसे रखना होता है घड़ी को और चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। वायरलेस चार्जिंग में अराउंड ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगी। सो HT66 का वेट टेस्ट करते हैं कि इसका वेट कितना है। इसको मैं वेट मशीन पे रखता हूँ तो ये अराउंड हमारे पास 52 ग्राम्स की ये वॉच है स्ट्रैप के साथ। ये इसके बिल्ट इन स्ट्रैप हैं, जाहिर है अगर आप मेटल वगैरह के दूसरे स्ट्रैप लगाते हैं आफ्टर मार्केट तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल डायल का अगर मैं वेट देखूँ तो 34 ग्राम्स वेट है डायल का, बाकी स्ट्रैप्स का है वेट। सो इसको वाटरप्रूफ टेस्ट भी करते हैं। IP68 रेटेड है ये घड़ी और मैं देख सकता हूँ कि कोई बबल नहीं आया अभी तक, मतलब कि इसकी बॉडी के अंदर जो है पानी नहीं गया कहीं से। इसका मतलब है वाटरप्रूफ रेटेड है ये IP68 जो है, ये अपना पूरा करती है IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग। लेकिन आपको चाहिए कि इंटेंशनली पानी के साथ इसकी इंट्रैक्शन ना करवाएं, अगर तो हो जाती है गलती से तब ये वॉच आपकी सेफ है, इसमें पानी छानी नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो HT66 स्मार्ट वॉच है इसकी जो एप्लीकेशन है ये QDFit के नाम से है। ये इस तरह का इसका लोगो है पर्पल कलर का, QDFit आप डाउनलोड करें। ये इसका मेन पेज है, यहाँ पे डिवाइसेस हैं और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी। यहाँ से हम जो है अपनी वॉच को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट इक्विपमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से सर्च अगेन करेंगे तो आप ये देखेंगे HT66 वॉच हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको सिंपली मैं कनेक्ट कर दूँगा, अब ये जो है मेरे मोबाइल के साथ पेयर हो जाएगी। सो आप ये देखेंगे पेयर होते साथ इसके अंदर स्लीप मोनीटर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर, ये सारे शॉर्टकट्स इसके आ गए हैं यहाँ पर। और इसी तरह जो है यहाँ पे फ्रंट पेज जो है आपका सारा स्टैट्स वगैरह का है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे वॉच कनेक्टेड है, बैटरी परसेंटेज 0 है, वाकई में बस वॉच बंद होने वाली है। मैसेज पुश, यहाँ पे आपकी सारी जो ऐप्स हैं उनकी आप नोटिफिकेशन लेने के लिए इसको अनेबल कर सकते हैं कि आप किस ऐप का नोटिफिकेशन लेना चाह रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे सारी ऐप्स आ जाएंगी आपकी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेडेंटरी रिमाइंडर है, अलार्म सेटिंग है, हार्ट रेट डिटेक्शन है, फाइंड योर ब्रेसलेट है, इसको मैं करूँगा तो वॉच के अंदर एक बीप होगी, यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। और इसी तरह यहाँ पे फाइंड योर ब्रेसलेट, डायल पुश और ड्रिंक रिमाइंडर डायल पुश में आएंगे। तो इसके अंदर वॉच के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो हैं फेसेस हैं
इसकी ऐप के अंदर इतने ज़्यादा फेसेस नहीं है, लेकिन ऐप के अंदर से आपको जो है कस्टम वॉच फेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप अपना फ़ोटो वगैरह इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी आप फ़ोटो वगैरह लगाएं, कोई वॉलपेपर वगैरह लगा लें, इवन कि एप्पल वॉच का लगा लें वॉलपेपर। एप्पल लोगों का बहुत शौक है, लोगों को एप्पल लोगों का, तो एप्पल लोगों का आप जो है वॉलपेपर ही लगा लें। तो ये इसकी एप्लीकेशन है सिंपल सी, और इसी तरह ही वॉच कॉलिंग के लिए भी अनेबल्ड है, SMS और नोटिफिकेशन वगैरह भी इस पर आएंगी। मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और अपने फीचर्स और डिस्प्ले के हिसाब से एक खूबसूरत वॉच है, एक कम्प्लीट वॉच है। डिस्प्ले सिमेट्री बहुत अच्छी है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, पिक्सल डेंसिटी बहुत अच्छी है, और इसी तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी खूबसूरत है। आप ये देखें साइड से जो स्पेस ग्रे कलर है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। इसी तरह दोनों बटन्स हैं इसमें जो काम करते हैं, और इसी तरह मेरे हिसाब से एक परफेक्ट वॉच है, बहुत खूबसूरत जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की गई है। सो होपफुली आपको HT66 स्मार्ट वॉच का रिव्यू पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से इसकी जो फिनिशिंग है, बिल्ड क्वालिटी है, वो बहुत खूबसूरत है, अप टू द मार्क है। इसकी जो फिनिशिंग है, बिल्ड क्वालिटी है, इसकी वर्किंग जो है वो भी अप टू द मार्क है। इसी तरह इसमें वायरलेस चार्जिंग, एप्पल लोगो, ये सारे आपको लवाजमत इस वॉच के अंदर मिल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। HT99 जो है वो एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉच है। अगर आप HT99 लेना चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो मेरे हिसाब से HT66 स्मार्ट वॉच जो है आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे वही फीचर हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कुछ प्राइस की जो है उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह HT66 स्मार्ट वॉच को आप ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं mtechstore.com, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी एडवाइस जरूर दें, और इसी तरह जाते जाते हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का पेज लाइक एंड फॉलो जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।